वन पीस का लाइव एक्शन नेटफ्लिक्स अडेप्टेशन रिलीज हो चुका है और ये कैसा है? सबसे पहले बात करेंगे उनके लिए जिन्होंने आज तक वन पीस का कुछ भी नहीं देखा, दे हैव नो आइडिया कि ये क्या है, क्योंकि मेरे हिसाब से ये लाइव एक्शन मोस्टली उनके लिए बनाया गया है। फिर जाके फैंस के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको देखेंगे कि कितने सारे चेंजेस कर दिए, एनिमे मांगा से कितना अच्छा कितना बुरा बनाया। नो स्पॉयलर्स प्रॉमिस। तो देखो, सबसे पहला और सबसे बेस्ट डिसीजन ये लाइव एक्शन बनाने वाले क्रिएटर्स ने लिया कि जो मेन कैरेक्टर्स है उनके लिए कोई बड़े स्टार्स, कोई फेमस एक्टर्स हायर नहीं किए। इससे क्या होता है, क्योंकि कोई भी फेमस चेहरा नहीं चाहिए ये शो को बेचने के लिए। ये सीरीज पहले से इतनी ज्यादा पॉपुलर है, ऐसा एक्टर जिसने आज तो कोई काम किया भी ना हो अगर वो रोल में फिट बैठता है उसको ले लोगे तो वो स्टार बन जाएगा। काफी ज्यादा ऑब्वियस बात मैं बोल रहा हूँ, लेकिन इस डिसीजन के कितने सारे अलग अलग बेनिफिट्स मिले ना वो गिनाने जाएंगे तो गिन लो। सबसे पहला कि अगर इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी किसी एक अपकमिंग आर्टिस्ट को देते हो तो अपनी पूरी जान लगा देगा, खुद स्टंट करने बोलोगे तो जाके कर भी देगा। अगर कोई कैरेक्टर अपने पांव को यूज करने में या फिर तलवार चलाने में बहुत ज्यादा माहिर है तो ऐसा टैलेंट जिसके पास पहले से वो स्किल्स है उनको आप हायर कर सकते हो, जिससे क्या होगा स्टंट डबल्स को बहुत ज्यादा यूज नहीं करना पड़ेगा और आप ऐसे शॉट्स क्रिएट कर सकते हो जिसमें एक्टर का चेहरा एकदम क्लियरली दिख रहा है क्योंकि वो खुद कर रहा है। ये चीज तुमको तब क्लियर होगी जब तुम इसके अंदर का एक्शन देखोगे तो। लेकिन अब हम लोग बेनिफिट्स गिना रहे हैं तो अभी खत्म नहीं हुए। सैलरीज या एक्टिंग फीस जो भी बोलते हो उसके अंदर कितने पैसे तुम बचा सकते हो आइडिया है? मेन कैरेक्टर और उसकी टीम के अंदर टोटल मिला के जो 5 लोग है ना, इनकी सैलरीज अगर हम लोग टोटल ऐड कर दें फिर भी शायद वो किसी एक फेमस एक्टर का बजट मैच ना कर पाए। और मोस्ट ऑफ द टाइम मूवी सीरीज के अंदर जो सबसे बड़ा एक्सपेंस वाला पोर्शन होता है ना वो एक्टिंग फीस ही होता है। लेकिन अब क्योंकि यहाँ पे इतने सारे पैसे बचा लिए हैं तो वो हम यूज कर सकते हैं CGI के अंदर, बड़े बड़े सेट्स क्रिएट करने में, मेकअप हो गया, जो प्रोस्थेटिक वर्क किया गया है इसके अंदर। और जब ये सारी बताई हुई चीज एकदम टॉप क्वालिटी की हो ना तो आप जो भी देख रहे हो वो बिलीव करने लगते हो, क्योंकि अगर थोड़ा सा भी फेक लगा ऑडियंस कच्चा चबा जाएगी। और तुमने देखा कैसे मैंने एक पॉइंट उठा के अलग अलग ब्रांचेस की तारीफें कर दी जो कि शो ने अच्छा किया है। इसी के साथ में एक कंप्लेंट ऐसा धीरे से स्लाइड करना हो तो फिर कितने सारे क्लोजअप्स मारे हैं भाई, बहुत ज्यादा। इसके साथ में 8 एपिसोड जो अपने को टोटल देखने मिले हैं, इतनी बार वाइड एंगल लेंस का यूज किया है, मैं बोल रहा था थोड़ा सा बोल्ड नहीं हो गया? अल्ट्रा वाइड एंगल लेंस यूज करने का बेनिफिट ऐसा होता है ना कि आपका जो सेट है, आपका जो पूरा एनवायरनमेंट है वो काफी ज्यादा बड़ा फील होता है। क्या बोलना चाह रहा हूं क्लियर करने के लिए, एग्जांपल देना ना तो ये वाला शॉट देख लो, ये अभी एक नॉर्मल फोकल लेंथ समझ सकते हो। कुछ लोगों को ये थोड़ा टाइट लग सकता है या फिर नॉर्मल भी है, बट यहीं पे अगर मैं वाइड एंगल करूं तो तुमको नोटिस हुआ होगा कि सेम डिस्टेंस पे कितनी सारी चीजें देख सकते हो और तुमको भी रूम भी बड़ा लगने लगा होगा। ये होता है वाइड एंगल यूज करने से। लेकिन इसका एक साइड इफेक्ट भी है कि आप कॉर्नर्स में देखोगे ना तो चीजें स्ट्रेच्ड आउट फील होंगी, जिसको 3-4 बार कहीं यूज कर लिया एकदम से इफेक्ट देने के लिए तो ठीक है, लेकिन जितने बार इसने किया जितनी बार मैंने नोटिस किया पॉइंट करना तो जरूरी है क्योंकि वो कभी कभी थोड़ा ज्यादा हो जाता है। तो एक छोटा सा कंक्लूजन उन लोगों के लिए जो वंडर कर रहे हैं कि क्या ये सीरीज देखनी चाहिए, वन पीस का नाम तो बहुत ज्यादा सुना है लेकिन उसकी एनिमे या फिर मांगा रीड नहीं करी है, तो हाँ आप इसको ट्राई कर सकते हो। वन पीस की जो दुनिया है उसके अंदर एक छोटा सा पीक आपको देखने मिल जाएगा कि क्या है, लेकिन जो मैंने बोला उसको ध्यान देना कि आप एक सिर्फ झलक ले रहे हो, सिर्फ एक आइडिया लेने के लिए ही कि क्या चीज है ये, क्योंकि इन्होंने बहुत सारी चीजें काटी हैं। इसलिए मेरे को ऐसा लगता है कि आज भी वन पीस को एक्सपीरियंस करने का सबसे बेस्ट तरीका है उसकी मांगा रीड करना, जो कि बहुत सारे लोग वैसे पसंद नहीं करते हैं, बट एनिमे अगर तुम देखने जाओगे तो वो इतना ज्यादा खिंचा हुआ है ना। छोटा सा एग्जांपल देना हो तो आपने फिश वाला कैरेक्टर टीजर ट्रेलर में देखा होगा, इसके साथ एक्शन फाइटिंग 6 एपिसोड तक चलती है एनिमे के अंदर, जिसको ये लाइव एक्शन में 15-20 मिनट में खत्म कर दिया। साथ में एनिमे मांगा की 1000 से ज्यादा एपिसोड चैप्टर्स इंटिमिडेटिंग लगते हैं, यू कैन स्टार्ट विद लाइव एक्शन, चीजें काफी ज्यादा काटी पीटी गई है लेकिन जो एक फीलिंग इसको डिलीवर करनी चाहिए ना वो ये देता है। 8 एपिसोड देखने के बाद अगर इंटरेस्ट आ रहा है तो यू कैन जंप ऑन एनिमे और मांगा, लेकिन अगर इतना सारा टाइम आज इन्वेस्ट नहीं करना चाहते तो वेट फॉर द सीजन 2, प्रोवाइडेड कि नेटफ्लिक्स उसको कैंसिल ना कर दे, ठीक जैसे उन्होंने हाची को कैंसिल कर दिया, आई एम डिसअपॉइंटेड। लेकिन अगर आपको इस शो और इसके पीछे का पूरा पिक्चर जानना है ना तो एक छोटी सी हिस्ट्री लेसन, जब ऐसे लीक्स आने लगे कि नेटफ्लिक्स वन पीस का लाइव एक्शन बना रहा है या फिर जब इसको अनाउंस किया गया था ना तो बहुत सारा हेट मिला था फैंस की तरफ से। मैंने खुद तो वन पीस देखा नहीं था बट फिर भी इनिशियल रिएक्शन यही था कि क्यों करना है, क्योंकि आज तक जितने भी अटेम्प्ट हुए एनिमेशन मांगा को लाइव एक्शन में करने का ऑलमोस्ट हर बार हगा गया है और वो भी एकदम गंदा वाला। थोड़े पॉजिटिव एग्जांपल जरूर है अपने सामने, जैसे कि एज ऑफ टुमारो या फिर अलीटा बैटल एंजल,
एंजल, लेकिन बैड एक्सपीरियंस के नंबर इतने ज्यादा है ना कि लाइव एक्शन अडेप्टेशन ये तीन वर्ड सुनते ही सदमा आ जाता है, क्योंकि मीडियम ही चेंज हो गया और उसके बाद क्रिएटर्स जो अपना चेंज लगाते हैं उसके ऊपर वो यूजुअली खराब ही होता है, साथ में बहुत सारे चैलेंजेस भी होते हैं। वन पीस का एग्जांपल ले लो तो फिर मांगा एनिमे के अंदर कैरेक्टर्स के काफी ज्यादा एक्सप्रेसिव वाले एक्सप्रेशंस दिख जाएंगे, अब ऐसे चेहरे वो लाइव एक्शन में कैसे क्रिएट करेंगे। ऊपर से वेब सीरीज बनाई जा रही है तो हर एक एपिसोड एक घंटे का होगा, जिसकी वजह से बेसिक स्ट्रक्चर भी चेंज करना पड़ता है, क्योंकि एनिमे के एपिसोड 22-23 मिनट के होते हैं। और ऊपर से बात आती है नेटफ्लिक्स की तो उनके वैल्यूज भी थोड़े अलग ही है, पहला एपिसोड हुक करना ही चाहिए, उसके अंदर सब कुछ दिखा दो थोड़ा थोड़ा करके, तो ऐसे केस में एक गुड अडेप्टेशन हम किसको बोलेंगे? ये क्वेश्चन का आंसर तुम जो दे रहे हो ना वो डिसाइड करेगा कि वन पीस का लाइव एक्शन तुमको कैसा लगा। मेरे लिए ऐसा है ना कि जो ओरिजिनल स्टोरी देखते रीड करते वक्त जो फीलिंग मुझे मिली थी, जो उसकी टीचिंग्स है, जो उसका हार्ट है, वो अगर सही जगह पे है ना तो एक अच्छा अडेप्टेशन हो गया, प्रोवाइडेड कि वो दिखने में नकली नहीं लग रहा है और स्टोरी को इतना ज्यादा भी चेंज नहीं कर दिया कि ओरिजिनल क्या और ये क्या। एपिसोड 4 के अंदर VR का जो एक थोड़ा मॉडिफाइड वर्जन बनाते हैं ना, सुन के दिल खुश हो गया। एक महीने पहले वन पीस कैच अप किया है मैंने, वो भी मांगा के अंदर। उसके बाद एनिमे के काफी सारे सीन्स देखे थोड़े थोड़े करके, उसका म्यूजिक सुना, इसलिए VR के टाइम पे थोड़ा ऐसा नॉस्टैल्जिक फील हुआ। लेकिन अब क्योंकि फैंस के पर्सपेक्टिव से हम लोग बात कर रहे हैं तो भाई लाइव एक्शन के अंदर कितनी सारी चीजें चेंज करी गई है, कई बार तो पूरे के पूरे सर्कमस्टेंसेस बदल कर रख दिए। उस सब के विलेज वाला जो आर्क है उसका क्लाइमैक्स बाहर होता है, पायरेट्स की एक पूरी टोली अटैक कर रही होती है, लेकिन यहाँ पे पूरा एक घर के अंदर, इतने सारे कैरेक्टर स्ट्रेट अप दिखते ही नहीं है और जो दिखते हैं वो इतने ज्यादा सरप्राइजिंग, जैसे कि गार्प और कोबी को ले लो, उनका स्क्रीन टाइम इस 8 एपिसोड के अंदर स्पेशली कोबी का उसोप और सांजी से ज्यादा है। इनफैक्ट गार्प और लूफी के बीच का जो कुछ भी इस लाइव एक्शन में दिखा है ना वो मांगा के अंदर 400 चैप्टर्स के बाद होता है, नहीं क्लियर हुआ तो जिस पेस से लाइव एक्शन जा रहा है ना आइडियली वो सीजन 4 या 5 में होना चाहिए था। ऐसा क्यों किया, उसके पीछे का रीजन भी काफी ज्यादा सिंपल है, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब वाला जो इफेक्ट होता है ना कि अपने हीरो को कोई तो पकड़ लेगा, उसके पीछे लगा हुआ है, कभी भी हाथ लगा सकता है। लेकिन यही चेंज करने से कुछ क्वेश्चंस के आंसर भी मिल जाते हैं। गार्प और लूफी का जो रिलेशन है वो भाई इतने टाइम से कहां था। अब यहां पे जो मैंने थोड़ी देर पहले एक्सपीरियंस की बात करी ना वो भी कितना ज्यादा बदल गया लाइव एक्शन के अंदर। सबसे बड़ा एग्जांपल देना हो तो इसका एक्शन ले लो, फाइटिंग 6 एपिसोड को 15 मिनट में खत्म किया, जो पहले बोला ना वो 15 मिनट में क्यों खत्म किया, क्योंकि बीच का बहुत सारा पार्ट। इससे क्या होता है कि जो लोग डायरेक्ट लाइव एक्शन देखने जाएंगे ना उनको वो थ्रिल नहीं मिलेगा। दो या दो से ज्यादा कैरेक्टर्स जिनके पास बेसिकली सुपर पावर्स हैं, वो कैसे आपस में लड़ रहे हैं अपने स्ट्रेंथ अपने वीकनेसेस को यूज करके, और जो इंटरेस्टिंग सिनेरियोस हो जाते हैं ना कि अपने हीरो लोग फंस चुके हैं वो वहां से कैसे निकलेंगे। याद दिलाना हो तो आर्लॉन्ग पार्क के अंदर लूफी जो पानी के अंदर गिर जाता है और सिर ऊपर निकाल के बैठा होता है, वो कुछ है ही नहीं, नथिंग, दे जस्ट गो देयर एंड बीट द शिट आउट ऑफ देम। कंप्लेन के मामले में ये चीज जरूर ऊपर होगी क्योंकि वन पीस एक शोनन है, फाइट्स जो होते हैं वो उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट, और उनको जिस तरीके से डिजाइन किया है मिस्टर ओडा ने वो देखने में मजा आता है, एक रोलर कोस्टर राइड फील होती है जो कि काफी हद तक मिसिंग लगा इसके अंदर। इस चीज को कॉम्पनसेट करने के लिए लाइव एक्शन ने क्या किया, जो मैंने बताया ना कि स्टोरी चेंज कर दी, तो उसको यूज करते हैं विलन को पहले एस्टेब्लिश करने के लिए, और वो थोड़ा बहुत हेल्प जरूर करता है क्योंकि साथ में एक्शन जो अपने को इसके अंदर दिखाया ना वो काफी ज्यादा बढ़िया। फिर भी मैं तारीफ ही करना चाहता हूँ जिन लोगों ने इस पूरे शो के ऊपर काम किया, क्योंकि अगर तुमने किसी भी वन पीस फैन के साथ इंटरेक्शन किया है और उसने तुमको इस वर्ल्ड के अंदर एंटर करने के लिए कन्विंस करने की कोशिश की, तो ये जरूर बोला होगा भाई वन पीस देखना स्टार्ट कर ले, पहले के 100 एपिसोड ठीक है बट उसके बाद मजा आएगा। तो वैसे में ये लाइव एक्शन जो कि वो पहले के ही 100 को अडॉप्ट कर रहा है तो वो क्या करे, क्योंकि ओरिजिनली वो बहुत ज्यादा एपिसोडिक फील होते हैं कि हाँ एक बार में ये खत्म हुआ फिर ये चालू हुआ फिर ये खत्म हुआ। अब ओडा जो कि वन पीस के क्रिएटर हैं वो इस लाइव एक्शन के अंदर एग्जीक्यूटिव प्रोड्यूसर हैं, तो मानते हैं कि चेंजेस उनके अप्रूव्ड थे, इसलिए इस प्रॉब्लम को ओवरकम करने के लिए एक जो काफी स्मार्ट चीज करी है, 1000 चैप्टर्स वाली स्टोरी जो ऑलरेडी सबके सामने है उसके अंदर की बहुत सारी चीजें पहले दिखा दो। फोरशैडो और सेटअप मांगा से भी ज्यादा एडवांस में, हाँ बट एपिसोड नंबर 2 के अंदर जो पूरा बगी वाला आर्क था ना वो मुझे थोड़ा लंबा खींचा फील हुआ लाइव एक्शन के अंदर भी, डायलॉग बाजी और वो पूरा सर्कस का थोड़ा सादा हो गया, बट एपिसोड 1 के एंड में जिस तरीके से बगी को टीज किया है ना वो देखकर जरूर मजा आया, लॉर्ड बगी फॉर अ रीजन। इतने देर से बोल रहा हूं लेकिन अभी तक एक्टर्स की मैंने बात नहीं करी, कास्टिंग ऑन पॉइंट है, लूफी के जो एक्टर हैं उनके डायलॉग्स कहीं थोड़े बहुत उतने सूट नहीं हुए मुझे थोड़ी जगहों पे, बट ओवरऑल आई एम सेटिस्फाइड, स्पेशली उसोप और जोरो एक नंबर गजब, सांजी भी पसंद आया और नामी नामी इज फाइन, मतलब एक्स्ट्रा एक्स्ट्रा फाइन। लाइव एक्शन के एक्सपीरियंस को एक सेंटेंस में तो नहीं बोल पाऊंगा मैं, ओवरऑल मुझे अच्छा लगा है, तुमको कैसा लगा कमेंट्स में बताओ, ठीक, सब्सक्राइब जाने से पहले, बाय।